हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका। अगर आप आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल में मैं ज़्यादातर DIY वीडियोस पोस्ट करती हूं, कभी कभी कुकिंग और ब्लॉगिंग भी आप देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो कुछ डिफरेंट होने वाला है, तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ क्यों और क्या। और अगर आप मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये प्रिंट्स देख के आपके दिमाग में ज़रूर ट्रॉपिकल पार्टी थीम तो आ ही गई होगी। तो जी हाँ, मेरी बेटी है जिसका बर्थडे है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक थीम सेलेक्ट किया है। इस बार हर बार मैं एक थीम पे ही कुछ बर्थडे करती हूँ, पर हाँ काफ़ी बजट में और कुछ लिमिटेड लोगों के साथ ही। तो उसका नाम है कुहू। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से फॉइल बलून लिए हैं कुहू के नेम का, और ये उसका है फोर्थ बर्थडे। तो बर्थडे की बात हो और बात कैंडल्स की ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या कैंडल्स लिए। तो मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स के कैंडल लिए हैं, मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। तो देखते हैं कैसे इसे कैसे यूज़ करने वाली हूँ और कैसे डेकोरेट करने वाली हूँ। ये थोड़े मैंने फ्रेग्रेंस के लिए कैंडल लिए हैं। ये कैंडल्स जो हैं वो पूरी रात चलेंगे, मैंने नहीं बुझाती। तो ये देखिए, ये सारे हो गए हमारे कैंडल्स। तो मैंने 2 डिफरेंट फ्रेग्रेंस के कैंडल लिए हैं, लैवेंडर और लाइम ग्रास। तो ये कैंडल मैंने होम सेंटर से लिए हैं, और इसके पहले वाले कैंडल्स मैंने केक शॉप से लिए थे, और बलून और बर्थडे बैनर जो है वो मैंने ऑनलाइन लिए थे। तो ये जो आप देख रहे हैं ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पर मैंने इसे ऑफलाइन लिया है। तो देखिए कितने क्यूट क्यूट ऐसे मुझे फ्लेमिंगो थीम्स के अकॉर्डिंग ही ये स्ट्रॉ दिख गए थे शॉप पे, तो मॉल में, तो मैंने इन्हें ले लिया है। तो देखिए काफ़ी क्यूट लग रहे हैं ना। तो इन्हें मैं अभी फ़िलहाल एज अ टेबल डेकोरेशन ही यूज़ करने वाली हूँ। और थीम हो फ्लेमिंगो, तो एक फ्लेमिंगो टॉय तो बनता है अपनी डॉटर के लिए। तो मैं हर बार कुछ ऐसा थीम करती हूँ, जैसे मिनी थीम किया था तो उसमें एक बड़ा सा मिनी लिया था। फ्लेमिंगो भी मैं कुछ बड़े साइज़ का ढूंढ रही थी पर मुझे नहीं मिला, तो मैंने ये ले लिया। तो ये देखिए है ना क्यूट सा, तो फ़िलहाल टेबल डेकोरेशन के लिए यूज़ होगा, फिर बाद में मेरी डॉटर इससे खेलेगी। जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने ऑनलाइन लिए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। और ऑफलाइन से भी अगर मिलते जुलते प्रोडक्ट्स मुझे मिले तो मैं उनका लिंक भी आपको डाल दूँगी। तो ये भी कुछ और फॉइल बलून्स ही हैं, तो इस पर बर्थडे कर लिखा हुआ है। ये सारे बलून्स जो हैं फॉइल बलून्स आप देख रहे हैं, ये सारे मैंने ऑनलाइन से लिए हैं फॉइल बलून्स। तो देखते हैं कैसे रहते हैं, अभी मैंने इनको यूज़ नहीं किया है। कैसे डेकोरेट करूँगी, क्या डेकोरेट करूँगी अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तो देखते हैं मैं कहाँ पे और कैसे इन्हें यूज़ करने वाली हूँ। और ये जो बलून्स आप देख रहे हैं इन्हें भी मैंने एक डेकोरेशन हाउस से ही लिया है। तो वहाँ पे ये बलून्स प्लेन बलून्स लिए हैं वाइट और पिंक में। और ये जो बलून है ये थोड़ा सा डिफरेंट सा दिखा मुझे, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसे भी ले लिया है। तो इसके अंदर में जो है थोड़े से स्टार्स की फिलिंग की गई है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए बलून में ना पूरे स्टार्स डाले हुए हैं, तो जब आप इसको ब्लो करेंगे तो ये स्टार्स आपको दिखेंगे, ऐसा शॉपकीपर का कहना था। तो देखते हैं ये कैसा लुक आता है इसका, मैं पहली बार ऐसा बलून यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं आपको आगे के वीडियोस में ज़रूर देखेंगे कि कैसा था। तो ये रहा बलून हो, और बलून ब्लोअर ना हो तो ये पॉसिबल ही नहीं, इतने सारे बलून के लिए बलून ब्लोअर तो बनता था। हमारी थीम से ही मिलता जुलता, यानी कि ट्रॉपिकल प्रिंट वाला मुझे यहाँ पे एक बेडशीट मिला जिसे मैंने बाय कर लिया है। कैसे यूज़ करूँगी, क्या यूज़ करूँगी, इसको आप देखेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं हर मंडे और थर्सडे को अपने वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कमिंग मंडे को आप देख पाएंगे कि मैंने इनका कैसे और क्या यूज़ किया है। तो उसके बाद मैं हर बर्थडे पे अपनी डॉटर के बर्थडे पे बच्चों को रिटर्न गिफ्ट्स भी देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा रिटर्न गिफ्ट लिया है, तो ये एक ड्रीम कैचर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल ड्रीम कैचर बड़ा ट्रेंड कर रहा है, तो और बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि बहुत ही कलरफुल होते हैं। तो ये जो ड्रीम कैचर है एक DIY पैकेट है, तो यानी कि इस पर बच्चे अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग अच्छा सा एक ड्रीम कैचर क्रिएट कर सकते हैं। सारे आइटम्स इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये जो ड्रीम कैचर है इसे मैंने ऑफलाइन एक स्टेशनरी शॉप से लिया है, लेकिन अगर मुझे ये ऑनलाइन मिलते हैं तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो मेरी डॉटर को बहुत अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देना, तो ये उसके लिए है, उसके फ्रेंड्स के लिए। तो इतने सारे गिफ्ट हैं रिटर्न गिफ्ट, तो ये गिफ्ट रैप पेपर्स हैं जो हमने लिए हैं। और एक यूनिक चीज़ मुझे दिखी थी, ये मैजिक टेप।
तो ये जो मैजिक टेप है इस ये मैंने लिया है 170 रुपीज़ में, वही स्टेशनरी शॉप से ही लिया है, मुझे उसी ने दिया। तो ये देखिए, इसका कहना है कि इनविजिबल है, राइटेबल है एंड सीज़र फ्री है। तो अभी मैं इसका पहली बार यूज़ करने वाली, तो इसका फीडबैक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये रहा हमारा मॉन्स्टेरा लीफ। जब हम ट्रॉपिकल थीम की बात करें और मॉन्स्टेरा लीव्स ना हो तो ये तो बिल्कुल गलत सी बात है। तो मैंने यहाँ पे कुछ मॉन्स्टेरा लीव्स, आर्टिफिशियल मॉन्स्टेरा लीव्स ऑनलाइन ही लिए हैं, 2 स्ट्रिंग्स लिए हैं मैंने। और उसके बाद ये जो है हमारा बिग सा ग्रास मैट लिया है एक थीम में, थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड करने के लिए। तो ये रहा एक बर्थडे बैनर जो हमारे थीम के अकॉर्डिंग ही है, तो इसे भी मैंने ऑनलाइन ही लिया है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी मैंने शॉपिंग की है, कुछ मिंत्रा, कुछ फ्लिपकार्ट और कुछ अमेज़ॉन से, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अब बारी आती है हमारे ड्रेसेस की। तो ये ट्रॉपिकल पार्टी ड्रेस है, तो ये एक नॉर्मल टी शर्ट है जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए यानी कि कुहू के पापा के लिए लिया है। इसके हर बर्थडे में हम थीम के अकॉर्डिंग सारी फुल फैमिली शॉपिंग करती है, और उसके बर्थडे थीम के अकॉर्डिंग ही हम सभी ड्रेस्ड होते हैं। तो ये रहा उनका टी शर्ट, ये है, मैंने अमेज़ॉन से लिया है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे कुहू के बाबा यानी कि मेरे फादर इन लॉ यहीं पे हैं अभी हमारे साथ, तो उनके लिए हमने ये टी शर्ट लिया है। बिल्कुल ट्रॉपिकल थीम पहनने के लिए रेडी नहीं थे, तो उससे मिलता जुलता सा कुछ हमने ये लिया है मैक से ऑनलाइन। मेरा मेरा ड्रेस, इसे भी मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से ही लिया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये जो ड्रेस है ये कैसा लग रहा है, ये आपको मिलेगा फाइनल देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो जो कि मंडे को आएगी। और उसके साथ मैंने लिया है ये पिस्टा ग्रीन कलर का स्वेटर जो कि मैक्स से लिया है। तो अब बारी आती है बर्थडे गर्ल के ड्रेसेस की। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए कुछ एसेसरीज लिए हैं जो मैंने माई बेबी स्टोर से ऑफलाइन ही लिया है। तो ये जो कि होम पार्टी है, तो मैंने ऐसा कोई फुटवेयर नहीं लिया है उसके लिए, क्योंकि वो घर में ही पार्टी करने वाली है, फ्रेंड्स से आने वाले हैं, तो हम घर में फुटवेयर यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे एक क्यूट सा ऑप्शनल फुटवेयर मैंने रख लिया है होमवेयर में। तो मुझे फ्लेमिंगो मैंने बहुत ट्राई किया पर नहीं मिला, तो यूनिकॉर्न से ही काम चलाना पड़ेगा। पर कलर को ध्यान में रखते हुए इस तरह से बेबी पिंक में मैंने यूनिकॉर्न स्लीपर्स ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से लिया है। तो ये रहा एक हाई नेक स्वेटर, ये भी ऑनलाइन है फ्लिपकार्ट से। और ये रहा हमारी बर्थडे कल का ड्रेस, ये भी हमें माई बेबी स्टोर पर मिला। तो ये एक ऑफलाइन ड्रेस है, तो वहाँ पे मुझे मिल गया था। वहाँ पे काफ़ी सारे थीम्स के अकॉर्डिंग बच्चों के ड्रेसेस रखते हैं वो, तो हमें ये मिल गया वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा। और साइज़ भी मेरी बेबी के अकॉर्डिंग था। इस ड्रेस में विंग्स भी हैं जो कि एक पूरा फ्लेमिंगो लुक दे देते हैं। तो ये रहा हमारे बर्थडे गर्ल का ड्रेस। तो देखिए कितना प्यारा सा ड्रेस है, बिल्कुल सॉफ्ट सा, ग्लॉसी सा ड्रेस है, काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें देखिए ड्रेस में इस तरह से आपको 2 विंग्स दिए गए हैं वेस्ट बैंड के साथ। आप चाहे तो इन्हें अटैच और डिटैच भी कर सकते हैं, डिटैचेबल है। तो देखिए, अगर आप जैसे बर्थडे गर्ल हैं बर्थडे डेकोरेशन में, तो आप इसे विंग्स लगा दीजिए, और नॉर्मल डेज के लिए आप विंग्स रिमूव कर सकती हैं। तो उसके बाद मैंने लिया है ये एक स्टिकर जिसे मैंने वॉल पे ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है। और ये मेरा DIY फ्लेमिंगो है, थीम के अकॉर्डिंग फ्लेमिंगोस बनाया है मैंने। तो ऑन डिमांड ऑफ माय डॉटर मैंने इन्हें 3 बनाया है, मम्मी पापा एंड बेबी फ्लेमिंगो। तो इसकी DIY आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और जब तक मैं ये वीडियोज़ बना रही थी, तो देखिए जो सारे रिटर्न गिफ्ट्स है वो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने पैक कर दिया है। तो जैसा कि यहाँ पे हमने मैजिक टेप यूज़ किया है, तो मैं उसका फीडबैक आपको इसी वीडियो में दे देती हूँ। काफ़ी अच्छा था यूज़ करने में, बहुत ही इजीली हैंड से टियर हो जाता जैसे एक पेपर के जैसा। और उसके देखिए, उसे स्टिक करने के बाद हमने उसके ऊपर इस तरह से परमानेंट मार्कर से लिखा है, अच्छे से स्मूदली लिखा गया है इस पर। ये रहा मेरी डॉटर का गिफ्ट। तो उस गिफ्ट में 2 चीज़ें डिमांड की थी, एक तो उसे लाइव यूनिकॉर्न चाहिए था जो शाइनी यूनिकॉर्न से सेड आई वांट अ शाइनी यूनिकॉर्न। तो उसका एक ऑप्शन निकाला हमने ये यूनिकॉर्न टॉय देकर, क्योंकि लाइव यूनिकॉर्न पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो उसका एक ऑप्शन निकाला ये टॉय, तो ये एक बैटरी ऑपरेटेड वॉकेबल टॉय है। तो इसको इसमें बहुत ही अच्छी म्यूज़िक भी होती है, वो काफ़ी एक्साइटेड थी। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, ये मैंने टॉय जो है फ्लिपकार्ट से लिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।
इज माय पोनी। नेक्स्ट गिफ्ट जो उसे चाहिए था एक पेट। तो पेट में उसने फिश, कैट और डॉग का ऑप्शन दिया था हमें। तो हमें सबसे अच्छा लगा ये फिश, जिसे हम केयर भी कर सके। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे एक मिनी फिश एक्वेरियम लिया है। तो उसे काफ़ी अच्छा लगा, वो काफ़ी एक्साइटेड है अपने इस गिफ्ट्स को देखकर। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। होप आपको भी ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। मंडे को हम देखेंगे कैसे सेलिब्रेट किया मैंने अपनी डॉटर का बर्थडे और कैसे क्या डेकोरेशन। तो देखने के लिए